हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो क्या वो नींबू का प्रयोग कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके व्यक्ति अपना बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल कम कर सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए रिसेंटली तो यूरिक एसिड बढ़ने वाली जो समस्या है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। उसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। तो अगर कहीं पे भी आपको हाइपर यूरिसेमिया वर्ड मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि ब्लड में यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना। अब अगर हम नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल की बात करें कि कितना होता है, तो अगर हम पुरुषों में बात करें कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनमें नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल कितना होता है, तो इनमें होता है 3.4 to 7.0 मिलीग्राम। तो ये क्या है, ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड में जो ये 7 है, अगर 7 से ऊपर जा रहा है यूरिक एसिड का लेवल, इसका मतलब कि उसके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो यूरिक एसिड क्या है, ये हमारे शरीर का ही एक अवशिष्ट पदार्थ होता है। मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं या फिर जो भी हम चीजें खाते हैं उनका जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो बहुत सारा अवशिष्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो जो हमारी किडनी होती है वो हमारे शरीर से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन अगर किसी वजह से किडनी सक्षम नहीं होती अपना काम करने में, या फिर जो ये अवशिष्ट है जिसको हम यूरिक एसिड कह रहे हैं इसको नहीं निकाल पाती, तो ये हमारे ब्लड में मिक्स होता जाता है और उसके बाद इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्योंकि अगर किडनी प्रॉपर अपना काम करती, यूरिक एसिड को निकाल देती शरीर से, तो इसका लेवल नॉर्मल रहता। लेकिन जब वो किडनी निकाल नहीं पा रही तो इसका लेवल क्या है, बढ़ेगा। और जब ब्लड में इसका लेवल बढ़ता है तो ये शरीर के जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वहां पे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। खास करके जो बड़े ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कि घुटनों के ज्वाइंट्स हो गए, और जो पैर में अंगूठा होता है वहां के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से व्यक्ति को फिर जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द की समस्या होती है। जोड़ों में दर्द की समस्या होगी, वहां पे सूजन हो जाएगा, व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत होगी, जैसे लगेगा कि उसके जो ज्वाइंट्स हैं वो अकड़ गए हैं। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जो व्यक्ति को यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है उस दौरान। तो अगर पुरुषों में बात करें तो ये नॉर्मल लेवल होता है। वहीं पे अगर हम महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल में जो नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल है वो कितना होना चाहिए, तो इसमें होता है 2.4 to 6.0 मिलीग्राम। तो अगर महिलाओं में ये जो 6 है अगर इससे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि उनके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, उनके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो उसको जोड़ों की समस्या होगी, उसको जोड़ों में दर्द की समस्या होगी। ये लक्षण है यूरिक एसिड बढ़ने का। अगर किसी भी व्यक्ति का यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय होते हैं या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन भी होती हैं, दवाइयां भी होती हैं, जिनके द्वारा हम बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें होम रेमेडीज की, तो हम 4 ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा नॉर्मली हम यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हमको कुछ दिन तक करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको अपने खान पान पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूरिक एसिड बढ़ने का प्रोसेस है ये किस वजह से होता है, तो मैंने बताया कि किडनी प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रही है, हमारे शरीर से जो यूरिक एसिड है उसको निकाल नहीं पा रही है। दूसरा, अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन का लेवल अधिक है, खास करके ऐसी प्रोटीन जिसमें प्यूरिन का लेवल अधिक है। प्यूरिन क्या होता है, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, उसका पाचन होता है, तो उससे प्यूरिन बनता है। और वो जो प्यूरिन होता है, जब उसका विखंडन होता है, वो टूटता है, उसका पाचन होता है, तो उसकी वजह से जो वेस्ट बनता है वो यूरिक एसिड होता है। तो अगर हम अधिक मात्रा में प्रोटीन वाली चीजें लेंगे तो उसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है और ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। तो पहली बात कि हमको अपने डाइट में वो चीजें कम करनी है जिनमें प्रोटीन होता है। दूसरा, हमको ऐसी चीजें लेनी है जिसमें अधिक मात्रा में फाइबर हो, और या फिर विटामिन सी रिच डाइट हमको लेनी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमको
क्या लेना चाहिए। तो सबसे जो कारगर इसमें चीज होती है होता है नींबू, और नींबू आसानी से हमको मिल जाता है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो हमको नींबू नहीं लेना चाहिए, तो ये एक भ्रम है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो हमको नींबू नहीं लेना है। नींबू का सेवन करने की वजह से जो जोड़ों में सूजन की समस्या होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि नींबू में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से जो जोड़ों में सूजन की समस्या होती है उसमें ये बहुत ज्यादा आराम देता है। और इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है, मतलब हमारे शरीर का जो वेस्ट होता है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है, किडनी के फिल्ट्रेशन को ये बढ़ा देता है। और इस वजह से अगर किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो जो यूरिक एसिड है वो भी मेबी किडनी से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम सुबह खाली पेट नींबू को पानी के साथ लें, गुनगुने पानी के साथ एक नींबू निचोड़ के हम यूज करें, तो इसकी वजह से जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल है वो धीरे धीरे ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो नींबू होता है उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, और विटामिन सी जो होता है वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का भी काम करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने का काम करता है। साथ ही आपके शरीर का जो इम्यूनिटी पावर होती है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है तो आप नींबू का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, लेमन, मतलब नींबू का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर मतलब कि जो सेब का सिरका होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कि आपका ये भ्रम खत्म हो गया होगा कि अगर जोड़ों की समस्या है या फिर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो हमको नींबू का प्रयोग नहीं करना है। हमको नींबू का प्रयोग करना है, क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें जो मैंने बात की एप्पल साइडर विनेगर की, मतलब सेब के सिरके की, तो जो सेब का सिरका होता है ये नेचुरल क्लींजिंग का काम करता है, मतलब हमारे शरीर को प्राकृतिक तरीके से साफ करने का काम करता है, एक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इसकी वजह से जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका लेवल कम होने लगता है, क्योंकि यूरिक एसिड को तोड़ने का काम कौन करता है, जो एप्पल साइडर विनेगर होता है। सेब का सिरका यूरिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हम इसको किस तरह से यूज करें। तो आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 2 से 3 ढक्कन जो एप्पल का विनेगर होता है, सेब का सिरका होता है, उसको डालिए और फिर इसको दिन भर में 3 से 4 बार पिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने से पहले आप अपने ब्लड जांच करा लें, देख लें कि यूरिक एसिड कितना है, उसके बाद 10 दिन इसका प्रयोग करें, फिर से अपनी जांच कराएं और देखें कि कितना कम हुआ है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने दिन में हमारा यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप फाइबर वाला खाना खाइए, फाइबर इस डाइट लीजिए, मतलब जिसमें रेशेदार चीजें अधिक हो। जैसे आप मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं, ओट्स का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर रहता है। और फाइबर की वजह से क्या होगा, फाइबर की एक क्वालिटी होती है कि वो पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब वो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी वजह से जो आपका डाइजेशन है, पाचन है, वो अच्छा होगा। इसके अलावा जो आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन है ये भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आप जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खास करके जो खट्टे फल होते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बात की, आप एप्पल का यूज कर सकते हैं, लेमन का यूज कर सकते हैं, ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। इनमें क्या है, इनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होती है और साथ ही इनमें फाइबर भी होता है। आप सब्जियों की बात करें तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है उनको गोभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो फूल गोभी होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में जो सूखे मेवे होते हैं उनमें आप सभी मेवों का यूज नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप ले सकते हैं मखाना, खजूर और अखरोट। वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शुगर की भी समस्या है, मतलब डायबिटीज की समस्या, और साथ ही उसका यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो उन व्यक्तियों को खजूर का सेवन नहीं करना है। फिर वो क्या लेंगे, वो सिर्फ मखाने का प्रयोग कर सकते हैं और अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट इसमें आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा का यूज आपको करना किस तरह से है, इसमें आप कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालिए, जो खाने वाला चम्मच होता है उससे 1 चम्मच, और दिन भर में आप 3 से 4 बार इसका यूज
कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गठिया की समस्या है तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और जो सूजन हो जाती है ज्वाइंट में, जोड़ों में, उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो क्षारीय तत्व होता है उसके लेवल को मेंटेन करता है। यूरिक एसिड में क्या है कि एसिड का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन जब बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं और उसकी वजह से जो क्षारीय तत्व है, जब उसका लेवल बढ़ेगा तो एसिड का लेवल ऑलरेडी कम हो जाएगा और इस वजह से जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका लेवल भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई, ये किसी भी तरह से कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि इनका कोई साइड इफेक्ट होगा या फिर इनका यूज करने की वजह से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप हफ्ते 10 दिन इसका यूज करिए, उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, आप देखेंगे कि आपका जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और कंटिन्यू अगर आप इसका 1 महीने या फिर 2 महीने तक सेवन करते हैं तो जो आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।